बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको डाले सभी को सहयोग करना चाहिए, ऐसा कहा है। तो सर्वे से सच सामने आएगा, भूपेन चौधरी का कहना, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, ऐतिहासिक वास्तविकता को सभी को समझना भी चाहिए। तो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसके साथ ही ऐतिहासिक वास्तविकता को समझना चाहिए, ये बातें कही गई हैं भूपेन चौधरी की तरफ से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि सभी को सहयोग करना चाहिए, सर्वे से सच सामने आएगा। तो हाईकोर्ट ने एसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है और मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है और अब मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। हालांकि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी स्वागत के लिए तैयार है और अब एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल गई है, कभी भी सर्वे करवाया जा सकता है। लेकिन वाराणसी के डीएम का साफ तौर पर कहना है कि अभी एएसआई की जो टीम है वो सर्वे के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अभी सर्वे में विलंब होगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और जाहिर है कि एएसआई सर्वे से सच सामने आएगा। उनका ट्वीट, ज्ञानवापी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए सभी को सहयोग करना चाहिए। तो ट्वीट किया है भूपेन चौधरी ने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी जिन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सर्वे से सच सामने आएगा, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है वह ऐतिहासिक वास्तविकता को सभी को समझते हुए हो रहा है। तो और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा यह विषय है, ये तमाम बातें भूपेन चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने ट्वीट करते हुए कही है। तो सुशांत वाराणसी से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, बड़ा निर्णय सामने आया है और इस निर्णय के आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। हिंदू पक्ष जो बेहद खुश नजर आ रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष में मायूसी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है कि इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष जो है वो बेहद उत्साहित है। तस्वीरों में आप देखिए, इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वाराणसी का ज्ञानवापी का इलाका है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ज्ञानवापी के इसी इलाके में जो बैरिकेटिंग के अंदर है, सर्वे की जो कार्य है उसको वहां पर पूरा किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो ये आदेश आया है हाईकोर्ट का, किस तरीके से देखते हैं आप? आज के आदेश जो आया है वो बहुत सुंदर और यथार्थ आदेश आया है, क्योंकि जहाँ ज्ञानवापी के मस्जिद कहा जाता है, ज्ञानवापी का ही त्रिशूल रहता है। हमारे योगी जी अभी कहे थे उनको ज्ञानवापी मस्जिद करना महापाप है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो, मंदिर है। और ज्ञानवापी शब्द हमारा संस्कृत सनातन धर्म है, सनातन शब्द है। इसलिए आज कोर्ट जो एसआई सर्वे के आदेश दिया वो एकदम निर्णय आदेश दिया है, यथार्थ कि हिंदू पक्ष में ही हमारे ये आदेश आया है। बाबा विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है, बाबा विश्वनाथ जी क्या है, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अगहानी करो, जहाँ बस शंभु भवानी स काशी सहयोग कसन। एक काशी है, प्राचीन नगरी है, बाबा यहाँ निवास करते हैं माता पार्वती के साथ में। इसलिए प्राचीन नगर की बाबा विश्वनाथ के भव्यतम नवीनतम और विशालतम मंदिर बनना चाहिए। ऐसा सर्वे पश्चात ये दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा और पुनः भव्य मंदिर निर्माण होगा। अब देखिए शंखनाद किस तरीके से, शंखनाद जो यहाँ पर हिंदू धर्म अनुयायी पहुंचे हैं वो ये कह रहे हैं कि शंखनाद है सर्वे का और इस शंखनाद के माध्यम से सच जो है वो सामने आएगा। क्या मानते हैं, शंखनाद हो रहा जी? निश्चित रूप से आने वाले समय में जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से कई ऐसे साक्ष्य हैं, कई ऐसे प्रमाण है वहाँ पे जो कि ये बता रहे हैं कि ये मंदिर ही था और विदेशी आक्रांता ने आकर हमारे मंदिरों पर हमला किया और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया। इसलिए ये जांच का विषय है, जांच होगा, दूध का दूध पानी होगा, आने वाले समय भव्य और दिव्य बाबा विश्वनाथ का मंदिर होगा। यहाँ नमः पार्वती पताये।
महादेव की गूंज और साथ ही ये शंखनाद। आप देखिए कि यहाँ पर हिंदू अनुयायी बेहद खुश हैं, उन्हें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि अब ज्ञानवापी का जो सच है वो अब बाहर आएगा। और ये शंख ध्वनि मंगल ध्वनि कहलाती है, मंगल वाद्य कहा जाता है। और धर्म के दृष्टि से शंख की ध्वनि से ज्यादा मंगल कुछ नहीं होता। और इस शंखनाद के माध्यम से वाराणसी में ज्ञानवापी के बाहर ये दर्शाया जा रहा है कि अब वो समय आ गया है जब ज्ञानवापी का सब सामने आएगा। क्या लगता है बाबा जी आपको, अब वो समय आ गया जब सच सामने आएगा? ये तो इतिहास गवाह है, पिछले 500 साल का पहले इतिहास पढ़िए तो यहाँ क्या था तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। हम अपने शब्दों में बयान करना यही चाहते हैं, सच हमेशा विजय होता है, उसकी पराजय कभी नहीं हो सकती। डगमग पिछले 75 सालों से हो रहा था, जो योगी और मोदी की सरकार ने सिर्फ 9 सालों में करके दिखाया। हारा, हारा। तो हर हर महादेव का उद्घोष चारों तरफ। चलिए ठीक है सुशांत, आपको रुकना चाहूंगी यहाँ पर। शंखनाद अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, तो अविनाश आपका रुक करेंगे, आपसे जाना चाहूंगी क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब याचिका दाखिल की जा सकती है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष, तो क्या कहा जा रहा है कि कब तक आखिर याचिका को लेकर आगे कोई कदम उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष किसी भी समय, जी मैं यही बता रहा हूँ कि मुस्लिम पक्ष किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। जो मुस्लिम पक्ष है, इंतजामिया कमेटी है, उनकी वरिष्ठ वकीलों के साथ लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि कैसे इस मामले को अब परस्यू करें सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार वो अपनी ये दलीलें रख चुके हैं जो कि हाईकोर्ट में भी रखी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन दलीलों को नकार दिया और सर्वे का आदेश दिया। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट आएंगे, जो कि किसी भी समय याचिका यहां पर दाखिल हो सकती है, तो जाहिर तौर पर उन्हें कुछ नए आधार, कुछ नई दलीलों की जरूरत होगी, जो कि अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट वो किस आधार और किन दलीलों के साथ में आते हैं। क्योंकि जब पिछली बार ये सुप्रीम कोर्ट आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि सर्वे से जो परिसर है उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए सर्वे पर रोक लगाई जाए। उस दौरान भी केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने दलील दी थी कि ये सर्वे साइंटिफिक है, इससे एक ईंट को खरोच भी नहीं आएगी, मैपिंग और फोटोग्राफ्स के जरिए सर्वे किया जाएगा, तो इससे मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्या है, न्याय के हित में ये सर्वे है और इसको होने देना चाहिए जिससे कि न्याय का रास्ता साफ हो। मगर मुस्लिम पक्ष आए अपनी दलीलों पर अड़ा हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाईकोर्ट जाएं, वहां जाकर अपनी बात विस्तार से रखें और हाईकोर्ट ही इस पूरे मसले को सुनेगा। और जब हाईकोर्ट ने पूरे मसले को विस्तार से सुना और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि ये न्याय के हित में है सर्वे होना, तो सर्वे का रास्ता तो पूरी तरह से साफ हो गया है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट आने की तैयारी में है मुस्लिम पक्ष, तो मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें होंगी वो क्या रहेंगी ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जो पिछली दलीलें थी उस पर हाईकोर्ट का फैसला निश्चित तौर पर भारी है और सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों को पहले ही हाईकोर्ट भेज चुका है, तो यहाँ पर जो नई दलीलें इनको रखनी पड़ेंगी और वो नई दलीलें क्या होंगी ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए ठीक है अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ज्ञानवापी परिसर का बेएसआई सर्वे होगा, कब होगा इसकी अपडेट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि डीएम ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एसआई की जो टीम है वो अभी तक का तैयार नहीं, और जैसे ही उनकी तरफ से तैयारी पूरी हो जाएगी एसआई सर्वे एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, तो सर्वे की टीम अभी तैयार नहीं, ऐसा डीएम वाराणसी का कहना है। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मेगा कवरेज न्यूज स्टेट पर जारी है। और यतिमा चेतनानंद जी मैं आपके पास आऊंगा, उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं ऐसा भूपेंद्र चौधरी ने कहा है, और एक के बाद एक प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आ रहा है, हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है, उल्लास से भरा नजर आ रहा है। चलिए बता दें आपको कि इसी बीच एक बड़ी खबर और ज्ञानवापी फैसले के बीच मथुरा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ज्ञानवापी फैसले के बीच मथुरा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शाही ईदगाह की दीवार पर कई सबूत मिले हैं। तो बता दें कि आदिशेष ओम समेत हिंदू स्थापत्य कला के कई सबूत मिले हैं और भव्य मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह बनाई गई थी, इस बात के सबूत। तो वकील महेंद्र प्रताप सिंह सबूतों की प्रदर्शनी लगाएंगे और हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी रहे महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र जी न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है, क्या कुछ वहां पर मिला है? ये हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि ये जो तथाकथित मस्जिद है
ये मस्जिद नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है, असली गर्भगृह यही है, यहाँ भगवान प्रकट हुए थे। और इसकी दीवारों पर जो चित्र बने हैं, आज हमने उसके संबंध में पूरी जानकारी मीडिया को दी है और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इसकी दीवारों पर कमल के फूल बने हैं, स्वास्तिक के निशान हैं, आदिशेष हैं और ओम बने हैं, ओमों को वहां से इरेज कर दिया गया, मिटाने का प्रयास किया गया है। इसके बाकायदा फोटोग्राफ हमारे पास है जिसकी प्रदर्शनी हम 5 और 6 अगस्त को वृंदावन में लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि ये सभी चित्र रहेंगे। खसरा खतौनी जितना जमीन का रिकॉर्ड है, खसरा खतौनी नगर निगम का रिकॉर्ड और रजिस्ट्रियां और भारतीय इतिहासकारों की पुस्तकें, विदेशी इतिहासकारों की पुस्तकें और इस्लाम के इतिहासकारों की पुस्तकों को हम उस प्रदर्शनी में रखेंगे। और हम चाहते हैं कि सच सबके सामने आना चाहिए, जनता के भी सामने आना चाहिए, विपक्षी गण है वो भी जाने, वो जानते हैं लेकिन उनके लिए भी हम रखेंगे और पूरी दुनिया के लिए और न्यायालय के सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं और प्रदर्शनी इसीलिए लगा रहे हैं। लेकिन महन जी जो तमाम तस्वीरों का जिक्र आप कर रहे हैं उनके स्रोत और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। वो हर बात पर वो प्रश्न चिन्ह ही लगाते हैं। वो काशी के मामले में भी नहीं चाहते कि वहां पर सर्वे हो, मथुरा के मामले में भी चाहते हैं सर्वे हो, वो तो फुब्बारा बता रहे हैं आदिशेष को, वहां पर जो विश्वेश्वर भगवान निकले उसे फुब्बारा बता रहे हैं। तो उनका कहने की हम कोई चिंता नहीं करते हैं, हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है और इन प्रूफों को हमने न्यायालय में एफिडेविट के साथ दाखिल किया है, ये ऐसे ही नहीं है। तो प्रूफ कैसे जुटाए गए महन जी? प्रूफ हमने जुटाए हैं, अपने सोर्सों से जुटाए हैं और पहले यहाँ पर बहुत सारे मथुरा के लोकल वासियों के पास यहाँ के फोटोग्राफ है या रहने वाले लोकल लोग हैं उनके पास बहुत सारे फोटोग्राफ हैं, ये कन्फर्म है ये वहीं के हैं और किसी एजेंसी से जांच करा ली जाए, जांच के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वहीं के हैं। और हमने न्यायालय में शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है, इसको ऐसे नहीं दाखिल कर दिया, शपथ पत्र देकर के दाखिल किया है कि ये वहीं के हैं और बिल्कुल आज भी वहां पर हैं ये, लेकिन कुछ उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे मैं आपको बता दूं कि 1862-63-64 में वहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई कराई थी और उनकी किताब है सर्वे ऑफ इंडिया, पढ़ लीजिए पेज नंबर 336, उस पर लिखा है संबद्ध 1713 महाफाल्गुन और उन्होंने पूरा इसका वर्णन दिया है। तो संबद्ध का सा मिटा दिया, वत रह गया है वहां पर। तो ये ऑथेंटिक प्रूफ है, ऐसे ही नहीं हवा में कोई बात की जा रही है, बिल्कुल पूरे प्रमाणित हमारे पास प्रूफ है जिन्हें हम न्यायालय में प्रस्तुत भी कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जनता के सामने आए, जनता देखे इसको और ये प्रूफ जब हाईकोर्ट में मामला चलेगा तो ये को इस केस को डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे, इनसे एक बहुत बड़ी मेरिट के आधार पर इसे तय हो जाएगा। और सर्वे जब होगा, चाहे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे कराए या कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराए, सर्वे में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सर्वे में ये चिन्ह जो हम बता रहे हैं, जो संकेत हम आपको बता रहे हैं, ये 101% वहां मिलेंगे, ये वहां है, ये मैं आपको ठीक है। महेंद्र जी, आज आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, आज काशी को लेकर भी निर्णय आया है और एसआई सर्वे को मंजूरी हाईकोर्ट ने दे दी है, उस पर आप कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? और हम शुरू से कहते रहे हैं कि वहां सर्वे होना चाहिए। देखिए, अगर ये मानते हैं वहां कुछ नहीं है तो दिक्कत क्या हो रही है भाई, सर्वे हो जाए, सर्वे में दूध का दूध पानी का पानी। जब सच जब सबके सामने आ जाएगा तो दिक्कत क्या है, सच आना चाहिए सबके सामने, ठीक है। और मैं जी मैं मानता हूँ कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब आएंगे, वीडियोग्राफी हो चुकी है वहाँ की, फोटोग्राफी हो चुकी है और कार्बन डेटिंग के द्वारा जीपीएस सिस्टम के ठीक है। महेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ, सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त काशी से हमारे साथ बने हुए हैं और सुशांत मैं देख पा रहा हूँ आपके आसपास और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए, आज इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया है उनकी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय लीजिए। देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के बाहर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की जो राय लगी हुई है। ये बताइए कि आज कितना बड़ा दिन मानते हैं जब ज्ञानवापी के सर्वे का रास्ता साफ हो रहा है? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम लोग, हम भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज, बहुत ही अच्छा आदेश आया है इलाहाबाद कोर्ट से। आप देख सकते हैं सनातन धर्म के जो अनुयायी है वो यहाँ पर खड़े हैं, क्या लगता है कि आज कितना बड़ा दिन है? जी, आज कितना बड़ा दिन है कि सर्वे का रास्ता साफ? बहुत खुशी का बात है और इलाहाबाद कोर्ट ने इतना सुंदर इतना उत्तम फैसला दिया है कि कहना है क्या है। और विश्वनाथ मंदिर का जो भी एक बार और सर्वे होगा हो जाए, इसमें भी ये निकलेगा कि जो सनातन पक्ष में है सनातन पक्ष में ही होगा। क्या लगता है कि अब ज्ञानवापी का सच जो है वो इस सर्वे के माध्यम से साफ हो पाएगा? जी,
क्योंकि निश्चित रूप से जब जांच होगा तो उससे पता चलेगा कि ये पत्थर कब के हैं, किस ईस्वी के हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म जो आया वो 300-400 वर्ष पहले आया, लेकिन जो हमारा सत्य सनातन धर्म है वो आदि अनादि काल से है, तो उससे दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। और निश्चित रूप से जो मंदिर में निशान, जो मस्जिद में निशान है वो पूरे मंदिर वाले निशान है, और वहाँ पे दीवारों में त्रिशूल पाया गया, स्वास्तिक पाया गया है, निश्चित रूप से वो मंदिर है। ये जांच का विषय है, जांच से किसी को घबराना नहीं चाहिए, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आने वाले समय में बाबा विश्वनाथ का मंदिर फिर से। ठीक है, चलिए सुशांत लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।